अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? और आपकी ईद कैसी गुजर रही? सबसे पहले मेरी तरफ से आपको ईद उल अज़हा मुबारक हो। हमेशा खुश रहें और मेरी हमेशा की तरह यही दुआ है आप सबके लिए, हमेशा खुश रहें और दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें। और फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो जिसमें मैं आपको क्लिप बनाना बताऊंगी, इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप देख और सुन सकें। और साथ साथ फ्रेंड, मैं आपको एक अच्छी बात भी बताने जा रही हूँ। एक शख्स अक्सर एक बुरी औरत से संतरे खरीदा करता था। वज़न और पैमाइश और कीमत की अदायगी से फारिग होकर वो संतरे को चाक करता और एक दाना अपने मुंह में डाल के शिकायत करता कि ये तो खट्टे हैं, और ये कह के वो संतरा इस बूढ़ी औरत के हवाले कर देता। वो बुजुर्ग औरत एक दाना चख के कहती, ये तो बिल्कुल मीठा है। मगर तब तक वो खरीदार अपना थैला लेके वहाँ से जा चुका होता है। इस शख्स की जोजा भी हर बार इसके साथ ही होती थी। इसकी बीवी ने पूछा, जब इसके संतरे हमेशा मीठे ही निकलते हैं तो ये रोज का ड्रामा कैसा? इस शख्स ने मुस्कुरा के जवाब दिया, वो बूढ़ी माँ मीठे संतरे ही बेचती है, मगर गुर्बत की वजह से वह खुद इसको खाने से महरूम है। इस तरकीब से मैं इनको एक संतरा बिना किसी कीमत के खिलाने में कामयाब हो जाता हूँ, बस इतनी सी बात है। इस बूढ़ी औरत के सामने एक सब्जी फ्रोश औरत रोज़ाना ये तमाशा देखती थी। वो एक दिन पूछ बैठी, ये आदमी रोज़ाना तुम्हारे संतरे में नुक्स निकाल देता है और तुम हो के हमेशा एक जायक संतरा वजन करती हो, क्या वजह है? ये सुन के बूढ़ी औरत के लबों पर मुस्कुराहट खिल गई और वो गोयाई हुई, मैं जानती हूँ कि वो ऐसा मुझे एक संतरा खिलाने के लिए करता है, और वो ये सोच बैठा है कि मैं इससे बेगाना हूँ, मैं कभी ज़्यादा वज़न नहीं करती। ये तो उसकी मोहब्बत है जो तराजू के पल्ले को बोझल कर देती है। मोहब्बत और एहतराम की मुसर्रतें इन छोटे छोटे मीठे दानों में। सच है कि मोहब्बत का सिला भी मोहब्बत है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स,